सवाईमाधोपुर जिले के खिजूरी गांव में विगत दिनों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक अध्यापक इकबाल हुसैन द्वारा दो छात्राओं के साथ छेड़खानी की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया था, जिससे आक्रोशित विद्यार्थियों तथा ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया था। आरोपी शिक्षक को पकड़कर ग्रामीण सड़क पर ले आए थे। आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोस्को एक्ट में मामला भी दर्ज कराया है। वहीं इस घटनाक्रम की परिणति यह हुई कि ग्रामीणों के खिलाफ रवांजना डूंगर थाने में रोड जाम, मॉब लीचिंग आदि के जो मुकदमे हैं पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा पुलिस एवं प्रशासन के विरोध में जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जिला पुलिस एवं प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाए, अन्यथा समूचे गाँव के ग्रामीण पुलिस प्रशासन के विरुद्ध बड़े आंदोलन की राह पर उतारू होंगे। बच्चियों के साथ एक अध्यापक ने छेड़छाड़ करी। विगत कई दिनों से उसकी पिछले टाइम से भी शिकायतें आ रही थी। गांव वालों ने वहां मौके पर जाकर उसको इस स्थिति में पकड़ा और गांव से स्कूल से बाहर उसको ले आए। अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अध्यापक जेल है, पोक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ है। पर इस प्रकार का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उससे कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोग बौखलाए हुए हैं और सत्ताधारी लोगों ने उस मुकदमे को कमजोर करने के लिए गांव वालों के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।